गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, कल हमने 2 क्वेश्चन किए, आज हमारा 3rd क्वेश्चन में है, सॉरी 3 क्वेश्चन हमने कल किए थे, तो आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिटी करें, ठीक है। 4th क्वेश्चन करनी और आपको आइडेंटिटी करनी है आज। आइडेंटिटी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी, तो आप ये 4th क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करना है आपने। डिवाइड 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x डिवाइड बाय 5x। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x डिवाइड करना किससे, 5x से। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे 5x है, तो यहाँ से 5x कॉमन निकलेगा आपका, तो सबसे पहले 5x को कॉमन निकाल। अब इसको 5x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 कॉमन निकल गया, 5 बाहर है, तो इसको 5 तो लिखना नहीं है। अब 3x में से आपके 3x है, यहाँ पे 1x चला गया, तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 3 = 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2x आपके पास, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x है आपके पास, x इंटू एक्स, तो इसमें से 1x आपका चला गया, यहाँ से क्या बचेगा, 1x बचेगा। अब यहाँ पे 5 5 5 = 25, x यहाँ से चला जा चुका है बाहर, तो यहाँ पे ये आपका 5 आएगा। अब यहाँ पे 5x, इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका x² - 3x + 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड पार्ट, 4z³ - 6z² - z डिवाइड बाय -1/2z। किससे डिवाइड करना है, -1/2z से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, -1/2z, आप इसको अगर रिवर्स करें तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, 2 को यहाँ पे आप कर सकते हो, -1 है, तो ये देखिए 2 यहाँ पे आ सकता है, रिवर्स कर सकते हो, माइनस में है तो माइनस यहाँ पे आगे लेके आ जाओ। इसके बाद क्या बचेगा, 4z³ - z, किससे डिवाइड करना है आपने, जेड से। माइनस हम लेके जा चुके हैं, माइनस यहाँ पे, तो -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड में, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं डिवाइड मल्टीपल में। अब इसका क्या करोगे, जेड कॉमन निकाल, जेड है ना नीचे, यहाँ पे जेड कॉमन निकाल, जेड कॉमन हो चुका, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z कॉमन निकाल, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है और z भी है, 2z कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2z² 3z 3z में से 1z आपका बाहर आ गया, यहाँ पे 6 2 3 = 6z, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर z, तो z से z कैंसिल हो गया, ठीक है, z से क्या हो गया, z कैंसिल हो गया। ओके, अब इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -4 2z² + 3z - 1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भी सेम है आपका, उसके बाद देखिए लास्ट पार्ट है इसमें, फिफ्थ पार्ट या फोर्थ पार्ट से देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आप खुद से स्टार्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा 3x³ + 2x² y, उसके बाद प्लस 15xy डिवाइड बाय 3xy, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आप, यहाँ पे देखो 3xy है, तो 3xy है, तो यहाँ से आपका 3 कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2x² y है, जो 2 इसमें कॉमन नहीं आ सकता, आप वही नंबर कॉमन ले सकते हो जो यहाँ पे सबको डिवाइड करे, तो यहाँ से सिर्फ आपका xy कॉमन निकलेगा, xy कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x² y, यहाँ बचेगा आपका 3 भी बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 2x, देखो x बचा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2x थे और y एक ही है, तो y एक बाहर चला गया। इसके बाद 15xy आपका बाहर है, तो ये आपका 3xy, xy से xy कैंसिल हो गया और जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, 10x³ p²
प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस 15x पी रेज टू पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर पी रेज टू पावर 7 डिवाइड किससे करना है 5x पी स्क्वायर ठीक है किससे करना है 5x पी स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे x पी स्क्वायर 5 अब इसमें देखो 5 हर एक नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है 10 भी 15 भी और 5 भी तो क्या करोगे 5 को कॉमन निकाल लो यहाँ से 5 कॉमन आ गया अब यहाँ पे क्या x पी स्क्वायर उसको कॉमन निकाल लो x पी स्क्वायर तो यहाँ से बचेगा 5 टू जा 10 एक्स 3x है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर चला गया बाहर तो 1 आ जाएगा अब 5 3 जा 15 होता है यहाँ पे 3 बचेगा तो एक्स पी स्क्वायर एक्स आपका बाहर चला गया पी स्क्वायर यहाँ पे 5 है 5 में से 2 चले गए बाहर तो क्या बचा 3 है ना उसके बाद 5 से करोगे 5 1 जा 5 तो यहाँ पे बचेगा 1 एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है यहाँ पे 1x बचेगा अब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 7 में से 2 चला जाएगा कितना आ जाएगा एक्स रेज टू पावर सॉरी पी रेज टू पावर 5 ठीक है 7 माइनस 2 क्या आता है 5 होगा ठीक है उसके बाद एक्स पी स्क्वायर 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3pq प्लस एक्स पी रेज टू पावर 5 ओके स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन ओके अब देखिए हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चाहिए 3 आइडेंटिटी उसमें आप आइडेंटिटी का यूज़ करोगे और ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है क्या होती है आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी देखो फर्स्ट आइडेंटिटी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है इसमें नहीं यूज़ करनी आपने ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 9.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट के लिए आइडेंटिटी देखो क्या गिवन है आपको ए माइनस पी ठीक है ये आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे लिखो आइडेंटिटीज ठीक है या इसको लिख सकते हो आप फॉर्मूले देखो फर्स्ट फार्मूला क्या हो ए प्लस बी स्क्वायर अगर आपको ए प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पे इसको क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपकी आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपने जैसे आपको दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है ऐसे सेम है देखिए x प्लस 2 तो इसको आप क्या लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना तो इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ करोगे ए की जगह पे आप x लगाओगे b की जगह पे 2 लगाओगे ठीक है नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ये आइडेंटिटी क्या आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बस यहाँ पे लास्ट में क्या होगा माइनस आ जाएगा ठीक है उसके बाद है आपकी थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी आपकी ए माइनस बी ए प्लस बी ठीक है ये थर्ड आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है ओके क्या करनी है ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है तो आज का वर्क क्या था देखो कल आपको मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन करवाए थे ठीक है वो 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने थे मैंने आपको कल कहा था 1, 2, 2 लेकिन आपको करना क्या है 1, 2, 3 आज आपकी 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है तो राइट डाउन ऑन फेयर नोटबुक एंड लर्न दिस आइडेंटिटी आपको क्या करना है इसको लर्न करना आइडेंटिटी को जब तक ये आइडेंटिटी आप लर्न नहीं करोगे आप ये एक्सरसाइज जो मैं आपको करवाऊँगी वो आप नहीं कर पाओगे ओके ठीक है स्टूडेंट ओके बाय थैंक यू हैव ए नाइस डे